दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह आईपीएल 2019 को लेकर काफी एक्साइटेड हैं तो फटाफट इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आई होप आप इस वीडियो को एक आईपीएल फैन होने के नाते कम से कम 10,000 लाइक्स तक तो पहुंचाएंगे ही। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईपीएल 2019 के आठों ही टीम्स के 8 मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स कौन से रह सकते हैं, यानी अपनी रेस्पेक्टिव टीम के लिए सबसे अच्छा प्लेयर, सबसे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने वाला प्लेयर कौन सा रह सकता है। दोस्तों नंबर 8 पर नाम आता है क्रिस मॉरिस का। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलने वाले हैं आईपीएल 2019 में। बॉलिंग तो अच्छी करते ही हैं, इनकी डिसेंट इकोनॉमी है 7.75 की। आईपीएल में अब तक खेले गए 52 मैचेस में 56 विकेट ये ले चुके हैं और 500 से ज्यादा रन ये बना चुके हैं, वो भी 166 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए आई होप आईपीएल 2019 में भी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के रूप में साबित होने वाले हैं। अगले प्लेयर की बात करते हैं जो है वरुण चक्रवर्ती, खेलने वाले हैं किंग्स इलेवन पंजाब से, आईपीएल में डेब्यू कर रहे हैं। ये एक एक्स फैक्टर की तरह साबित हो सकते हैं किंग्स इलेवन पंजाब के लिए, एक सक्सेसफुल स्पिनर के तौर पर अपने आप को साबित कर सकते हैं। और वरुण चक्रवर्ती एक मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के तौर पर साबित हो सकते हैं किंग्स इलेवन पंजाब की टीम से अगर बात की जाए तो। अगले प्लेयर की बात करते हैं, अगली टीम की बात करते हैं जो है सिमरन हेटमायर, वेस्ट इंडीज टूर जो खेला गया टीम इंडिया के साथ इंडिया में ही, यहाँ पर जिस प्रकार से अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है, एक अच्छे प्लेयर के तौर पर आरसीबी की ओर से खेलने वाले हैं और मिडिल ऑर्डर में इनकी जगह भी बनते हुए दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि सिमरन हेटमायर के आने से इनके लक के साथ आरसीबी को भी ट्रॉफी मिल जाए। अगले प्लेयर की बात करते हैं जो है हार्दिक पांड्या, मुंबई इंडियंस की ओर से खेलने वाले हैं आईपीएल 2019 में। चाहे आप बैट के साथ इनकी परफॉर्मेंस को देखें या बॉल के साथ, अच्छा परफॉर्म ये करते हैं। 50 आईपीएल मैचेस में 650 रन से ज़्यादा ये बना चुके हैं और 28 विकेट्स ये निकाल चुके हैं। हालांकि इकोनॉमी इनकी ज़्यादा रहती है लेकिन विकेट्स निकाल कर भी दे ही देते हैं। मुंबई इंडियंस की सक्सेस में इनका बड़ा रोल है। अगले प्लेयर की बात करते हैं जो है जोफ्रा आर्चर, राजस्थान रॉयल्स की ओर से ये खेलने वाले हैं। आईपीएल 2018 में 4th नंबर पर आरआर की टीम ने फिनिश किया और जिनमें दो बड़े प्लेयर्स का हाथ था, वो था जॉस बटलर और जोफ्रा आर्चर। और आरआर की ओर से ये एक मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के तौर पर साबित हो सकते हैं। अगले बड़े प्लेयर की बात करते हैं जो है आंद्रे रसल, कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेलने वाले हैं और इस टीम से एक्स फैक्टर को पिक करना बेहद मुश्किल है। दोस्तों आपको भी अगर किसी एक प्लेयर को एक्स फैक्टर के तौर पर पिक करना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस प्लेयर को पिक करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इनके टॉप 4 ओवरसीज प्लेयर्स हैं, चारों ही काफी टफेस्ट प्लेयर हैं और टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। क्रिस लिन, सुनील नरेन, कार्लोस ब्रैथवेट और आंद्रे रसल, इनके बाद भी अगर मैं अपनी ओपिनियन बताऊं, मैं अपनी चॉइस बताऊं तो आंद्रे रसल यहां से MVP यानी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर साबित हो सकते हैं। अगले मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात करते हैं जो है राशिद खान, सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलने वाले हैं। आईपीएल की हिस्ट्री में 38 विकेट्स लिए हैं इन्होंने 31 मैचेस में और इकोनॉमी काफी इंप्रेसिव है 6.6 की, और T20 स्पेशलिस्ट के तौर पर ये साबित हो रहे हैं। एज अ फिनिशर टीम में खेलते हैं, एज अ मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर टीम में खेलते हैं। अब नंबर 1 की बात करते हैं जो एक्स फैक्टर, सबसे बड़े एक्स फैक्टर के तौर पर साबित होने वाले हैं, वो है MS धोनी। आईपीएल 2018 में CSK की टीम ने तीसरी बार आईपीएल की ट्रॉफी उठाई और जिसकी सक्सेस में अंबाती रायडू, शेन वॉटसन, ड्वेन ब्रावो की परफॉर्मेंस के चलते ही CSK की टीम ने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया और कैप्टेंसी की MS धोनी ने। CSK की टीम के ये एक्स फैक्टर हैं। आईपीएल 2018 में जिस प्रकार से MS धोनी का परफॉर्मेंस रहा था, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा होगा जिस प्रकार से इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया था। 16 मैचेस में 455 रन इन्होंने बनाए और इनका स्ट्राइक रेट रहा है 150 का, यानी काफी अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है और शानदार इन्होंने रन बनाए हैं और अच्छी कैप्टेंसी के चलते। तो दोस्तों ये तो रहे 8 टीम के 8 मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स जो साबित हो सकते हैं और एक्स फैक्टर के तौर पर साबित हो सकते हैं अपनी अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए। लेकिन दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है, आपके हिसाब से इन 8 ही प्लेयर्स में से आपका फेवरेट कौन है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और आईपीएल से रिलेटेड कुछ और लेटेस्ट वीडियोस और इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करके रखें। धन्यवाद।